हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन गैट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज दिस इज दिव्या माहेश्वरी स्टूडेंट्स आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है कंप्यूटर मेमोरी स्टूडेंट्स आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है और इसका क्या यूज़ होता है सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन बट बिफोर स्टार्टिंग एवं हमसे कुछ क्वेश्चन कर रही हैं उनके आंसर्स दे देते हैं हेलो फ्रेंड्स आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू हेलो फ्रेंड्स मैम मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं ट्राई टू आंसर दैम उनके आंसर दीजिए वट इज़ द टाइटल ऑफ योर कंप्यूटर बुक आपकी कंप्यूटर बुक का टाइटल क्या है सो स्टूडेंट्स ये आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बिकॉज आपकी कंप्यूटर बुक के फ्रंट पेज पर इसका टाइटल है नेम योर नेटिव स्टेट आपके नेटिव स्टेट का नेम क्या है कौन से इस्टेट से आप बिलोंग करते हैं एंड हाउ मैनी सब्जेक्ट्स डू यू लर्न इन स्कूल और आप अपने स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स सीखते हैं एंड स्टूडेंट्स आगे वह बोल रही हैं कि इफ ऑल योर आंसर्स आर करेक्ट यदि आपके सारे आंसर्स करेक्ट होते हैं देन कंग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत बधाई है यू हैव अ गुड मेमरी आपके पास आपकी मेमरी बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स वट इज़ मेमरी आप क्वेश्चन करिए वाह कि मेमरी होती क्या है इट इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव कम अक्रॉस ऑर लर्न ये वो सारी मेमरी है जो आप सीखते हैं जो आप अपने माइंड में डालते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जिसे आप सीखते हैं दिन भर में करते हैं स्कूल्स में सीखते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है विच यू कैन रिकॉल जिसे आप याद कर सकते हैं कभी भी यू नीड जब भी आपको आवश्यकता होती है तभी आप उसे याद कर सकते हैं योर ब्रेन इज़ योर मेमरी स्टोरेज हाउस स्टूडेंट्स आपकी जो मेमरी है आपकी स्टोरेज हाउस है और स्टोरेज हाउस कहाँ होता है मेमोरी का स्टोरेज हाउस कहाँ होता है स्टूडेंट्स वो होता है स्टूडेंट्स ब्रेन में तो आपका जो ब्रेन है वो एक स्टोरेज हाउस है स्टूडेंट्स सिमिलर सिमिलरली अ कंप्यूटर टू हैज मेमोरी बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है कंप्यूटर भी हमारी तरह मेमोरी रखता है सो so, स्टूडेंट्स आज हम जान लेते हैं हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्राइमरी मेमोरी सेकंड टॉपिक है हमारा सेकेंडरी मेमोरी एंड थर्ड टॉपिक रहेगा स्टोरेज डिवाइस इन तीनों पर हम डिस्कस करेंगे और आपको

टेम्परेली भी या परमानेंटली भी वो हर डिपेंड करता है कि हम उसे टेम्परेली रखना चाहते हैं या परमानेंटली और मैनी टाइम्स डिवाइस पर भी डिपेंड करता है कि मेमोरी डिवाइस किस तरह की है कौन सी मेमरी है वो टैम्प्रेली रखेगी या परमानेंटली रखेगी आपकी स्टोरेज आइटम को स्टोरेज इंफॉर्मेशन को सो कंप्यूटर मेमोरी में ये दोनों तरह की फैसिलिटी होती है कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स में क्लासिफाइड की जाती है फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है इसे जान लेते हैं स्टूडेंट्स फर्स्टली प्राइमरी मेमोरी को जानते हैं इट इज द मेन मेमोरी ये मेन मेमोरी होती है विच इज प्री डिफाइंड इन अ कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर में पहले से ही डिफाइन होती है जो प्राइमरी मेमोरी होती है स्टूडेंट्स वो पहले से ही कंप्यूटर में डिफाइन होती है इट इज वेयर डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड ये वो जगह है जहाँ पर डेटा इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं जब कंप्यूटर फंक्शन करता है जब कंप्यूटर चलता है फंक्शन करता है तो जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन हम ओपन करते हैं जितने भी फाइल्स हम ओपन करते हैं वो सारी की सारी इसमें, इसमें स्टोर होती रहती है हाउ इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी जबकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है प्राइमरी memory इज़ also नोन एज इंटरनल memory. प्राइमरी memory को आप इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं और ये जानी जाती है इस नाम से स्टूडेंट्स प्राइमरी memory को इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है प्राइमरी memory इज़ ऑफ टू टाइप्स प्राइमरी memory भी स्टूडेंट्स टू टाइप्स की होती है फर्स्ट होती है रैंडम access memory जिसे हम रैम बोलते हैं एंड second होती है रीड ओनली memory जिसे हम रोम बोलते हैं स्टूडेंट्स सो फर्स्ट इज रैम एंड सेकेंड इज रोम सो फर्स्टली रैम को जान लेते हैं प्राइमरी मेमरी में रैम क्या होती है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सिस मैमरी रैम स्टोर द डाटा रैम डाटा को स्टोर करती है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है लेकिन कैसे करती है टेम्प्ररली रैम के अंदर जितना भी डाटा इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन होती है ना स्टूडेंट्स वो सारी की सारी परमानेंटली स्टोर नहीं होती है वो सारी की सारी टेम्परेली स्टोर होती है व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं द इंफॉर्मेशन एंड डाटा स्टोर इन द मेमरी इज लॉस्ड जो भी डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो सारी की सारी लॉस्ट हो जाती है खत्म हो जाती है वेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स जब कंप्यूटर शुरू होता है द ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिनस लोडिंग इंटू रैम सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो विंडोज होती है वो रैम से ही लोड होती है स्टूडेंट्स एनी सॉफ्टवेयर दैट टर्नस ऑन अ कंप्यूटर जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में रन करता है ऑल्सो गेट्स लोडेड इन टू रैम वो भी रैम में ही लोड होता है जितने भी सॉफ्टवेयर हैं विंडोज हैं वो सब के सब रैम से ही लोड होते हैं इट इज़ कोल्ड रैंडम एक्सेस मैमरी इसे क्या कहा जाता है रैंडम एक्सेस मैमरी क्योंकि ये कम सी पी यू को रैंडम मैनर में एक्सेस करती है इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मैमरी कहा जाता है ये सी पी यू को रैंडम में एक्सेस करती है रैंडम मैनर से एक्सेस करती है सीपीयू क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट केंद्रीय प्रक्रिया इकाई जिसे एक्सेस करने का काम का क्या करती है रैम करती है सो so, एक्सेस करती है कैसे रैंडम मैनर में इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है इट इज ऑल्सो कोल्ड रीड एंड राइट मेमरी इसे रीड एंड राइट मेमरी भी कहा जाता है स्टूडेंट्स बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम इट क्योंकि इंफॉर्मेशन इसमें से पढ़ी जा सकती हैं एंड डेटा कैन ऑल्सो भी रिटर्न और डाटा भी इसमें रिटर्न किया जा सकता है और स्टोर डॉन इट और इसमें स्टोर भी किया जा सकता है सो so, स्टूडेंट इसीलिए इसे रीड एंड राइट मेमरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सकता है डाटा को राइट किया जा सकता है और उसे स्टोर भी किया जा सकता है रैम इज अ वॉलेटाइल मेमरी रैम एक वॉलेटाइल मेमरी होती है जिसका मीन्स होता है इट लूज इट्स डेटा वंस द पावर इज टर्न ऑफ जिसका मीन्स क्या होता है कि ये डाटा को लूज कर देती है एक बार टर्न ऑफ होने के बाद जैसे ही पावर बंद होती है जैसे ही पावर टर्न ऑफ हो जाती है तो ये सारे डाटा को खत्म कर देती है लूज कर देती है खो देती है अपने डाटा को सो इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी का मीन्स होता है कि पावर ऑफ होते ही सारा डाटा खत्म हो जाना बॉक्स में एवा हमें कुछ शॉर्टकट भी बताना चाह रही हैं कि किस तरह से हम इसे रैम को समझ सकते हैं टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ रैम रैम के फंक्शन को समझने के लिए रिमेंबर हाउ अ ब्लैक बोर्ड एंड अ कैलकुलेटर वर्क याद कीजिए कि एक ब्लैक बोर्ड और कैलकुलेटर कैसे काम करता है वेन एवर एनी न्यू डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज रिटर्न ऑन दिस जब कभी कोई नया डाटा इन्फॉर्मेशन इन पर लिखी जाती है ब्लैक बोर्ड पर या कैलकुलेटर पर लिखते हैं द ओल्ड वन इज इरेस्ड फॉर एवर तो पुराने वाले को हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं हमेशा के लिए सेम रैम भी ऐसे ही करती है कि रैम जो भी नया डाटा लेगी उससे पहले वो ऑफ होने ऑफ होने के टाइम पर ही उसे खत्म कर देती है और जब भी कंप्यूटर न... स्टार्ट होगा तो नए तरीके से नया बिल्कुल फ्रेश रैम होगी और उसके अंदर नया डाटा ही सेव होगा और जैसे ही फिर अगेन कंप्यूटर ऑफ होगा तो फिर से वो फ्रेश हो जाती है तो रैम बिल्कुल ब्लैक बोर्ड या कैलकुलेटर की तरह होती है जब भी हमें कोई नई कैलकुलेशन करनी होती है तो कैलकुलेटर में हमें जीरो लाना होता है फ्रेश करना होता है उसे सो दिस इज द इमेज ऑफ रैम स्टूडेंट्स रैंडम एक्सिस मेमोरी की ये इमेज होती है बहुत टाइप्स की रैम होती हैं तो इसमें यहाँ पर दिखाया गया कि रैम कैसी होती है ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रीड ओनली मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड पार्ट है रीड ओनली मेमोरी तो इसके बारे में जान लेते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच यू कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट ये वो मेमोरी होती है जिसमें केवल इंफॉर्मेशन को जो कि इसमें स्टोर होती है उसे रीड किया जा सकता है देखिए स्टूडेंट्स रैम में हम इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे बट इसमें केवल इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सकता है स्टूडेंट्स बट कैन नॉट राइट ऑन इट लेकिन इस पर राइट नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज इसका मीन्स ये होता है कि जो रोम में इंस्ट्रक्शन स्टोर हो गई वन टाइम उन्हें कभी चेंज नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स जबकि रैम में हम स्टोर किए हुए डाटा को चेंज भी कर सकते थे क्योंकि उस पर राइट करने की फैसिलिटी होती है इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर इन इट इंफॉर्मेशन इसमें परमानेंटली स्टोर होती है स्टूडेंट्स रैम में टेम्परली स्टोर होती हैं बट इसमें परमानेंटली स्टोर होती हैं डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर इन रोम आर नॉट लॉस्ट इवन वेन द पावर इज टर्न ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन जो रोम में स्टोर होता है वो खो हो नहीं होता नहीं है यहाँ तक कि जब पावर टर्न ऑफ होती है तब भी वो नहीं लॉस्ट होता है इसीलिए इट इज नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमरी इसीलिए इसे क्या कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल मेमरी कहा जाता है जबकि रैम को वॉलेटाइल मेमरी बोला जाता है स्टूडेंट्स सो रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमरी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम आर एस फॉलोज कुछ डिफरेंट टाइप की रोम इस प्रकार है सबसे पहले आ जाती है टाइप्स ऑफ रोम में पी आर ओ एम प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी इसमें क्या होता है स्टूडेंट द कंटेंट ऑफ द मेमरी कैन बी मॉडिफाइड बाई अ प्रोग्रामर ओनली वंस इस मेमरी के अंदर जो भी कंटेंट होता है स्टूडेंट्स उसे प्रोग्रामर के द्वारा एक बार ही मॉडिफाई किया जा सकता है ओनली वंस केवल एक बार ही मॉडिफाई किया जा सकता है ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी इसका यूज क्या होता है स्टूडेंट डेटा कैन भी इरेज एंड रीराइटन री रिटर्न ऑन इट इसमें डाटा इरेज भी किया जा सकता है और उसे दोबारा से राइट भी किया जा सकता है इस पर ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमरी इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स डेटा कैन बी इरेज डेटा इरेज भी किया जा सकता है और रि रिटर्न रिटर्न भी किया जा सकता है मीन्स राइट भी किया जा सकता है ऑनइट इस पर यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज बट इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के द्वारा इस पर यह डेटा रीड एंड राइट किया जा सकता है इरेज भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है नौ स्टूडेंट सेकेंडरी मेमरी की बात करते हैं सेकेंडरी मेमरी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड कैपेसिटी होती है सो यू नीड एडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर द डाटा तो आपको कुछ एडिशनल स्टोर डिवाइसेस चाहिए जिसमें स्टोर किया जा सके डाटा ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है आपको क्योंकि प्राइमरी मैमरी में तो कुछ थोड़ी बहुत ही कैपेसिटी होती है कि वो थोड़ा बहुत डाटा आपका रख सकती है बाकी डाटा कहाँ जाएगा सपोज आपको सॉन्ग्स स्टोर करने हैं आपको अपनी इमेजेस स्टोर करनी है और आपको अपना डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने हैं तो आप उसे स्टोर कहाँ करेंगे तो आपको एक एडिशनल स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होती है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकें दीज स्टोरेज डिवाइस आर कोल्ड सेकेंडरी मेमरी इन स्टोरेज डिवाइस को कहा जाता है सेकेंडली सेकेंडरी मेमरी सेकेंडरी मेमरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल और ऑग्जिलरी मेमरी सेकेंडरी मेमरी को एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स द डाटा स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल मेमोरी इज नॉट लॉस्ट जो भी डाटा हम एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करते हैं वो खोता नहीं है स्टूडेंट्स वो खो ही नहीं सकता इवन यहाँ तक कि वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ यदि कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए तब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसमें डाटा सेव हो जाता है स्टूडेंट्स द सी पी यू कैन नॉट एक्सेस इट सीपी इसे एक्सेस नहीं करता डायरेक्टली जब सी पी ऑन होता है तो डायरेक्टली वो एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी जिसे बोलते हैं हम या ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है इट इज एन बिकॉज क्योंकि इट इज एन एक्सटर्नल मेमोरी क्योंकि एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी जो कंटेंट्स होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के जो भी कंटेंट्स uh, होंगे सेकेंडरी मेमोरी में वो सारे के सारे फर्स्टली प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर के होते हैं और तब सीपी कैन एक्सेस एट देन सीपीयू से एक्सेस करता है जब तक सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कंटेंट नहीं जाएगा तब तक सीपीयू से एक्सेस नहीं कर सकता स्टूडेंट्स दिस इज द रीजन यही कारण है कि क्यों सेकेंडरी मेमोरी इतनी स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से वाई सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर प्राइमरी मेमोरी क्यों होती है प्राइमरी मेमोरी से इतनी स्लोअर क्योंकि सीपीयू फर्स्टली कंटेंट को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेता है देन सीपीयू से एक्सेस करता है इसी में इतना टाइम लग जाता है कि ये सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है अपनी नेचर में सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइस के जैसे कि हार्ड डिश होती है सीडी होती है डीवीडी होती है फ्लैश ड्राइव होती है जिसे हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं एंड मेमोरी कार्ड और मेमोरी कार्ड जो कि मोबाइल में भी यूज होता है ये सभी के सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं फर्स्टली हम जान लेते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं वट एवर इंफॉर्मेशन यू एंटर इन टू अ कंप्यूटर जब कभी आप कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए जीरो एंड वन तो ये कंप्यूटर में जाके किस तरह से सेव होता है किस फॉर्म में सेव होता है वो होता है जीरो एंड वन की डिजिट में सेव हो जाता है ये, विच आर नोन एज बाइनरी डिजिट जिसे कहा जाता है, या फिर इसे बिट्स की सबसे सबसे छोटी होती होती है, सबसे smallest होती है. ग्रुप ऑफ एट बिट्स इज नोन एजन बाइट का एक ग्रुप एक बाइट जाना जाता है मींस वन बिट इक्वल टू एट बाइट स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगी कि वन बिट क्वल टू एट बाइट वन बिट एक बाइट के बराबर होता है स्टूडेंट और यदि आप एक बिट की कहीं एक बाइट की बात करते हैं तो उसमें आठ बिट आ जाती है ओके डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर आर्ट्स ग्लो अलग अलग तरह की मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में इस प्रकार दिखाई गई है इन्हें हम जान लेते हैं जैसे स्टूडेंट्स मैथ्स में आपको सिखाया जाता है कि वन किलोमीटर में वन थाउजेंड मीटर होता है एंड वन लीटर में वन थाउजेंड मिली होता है इसी तरह से कंप्यूटर में भी मेजरमेंट होता है स्टूडेंट्स उस मेजरमेंट को हम आपको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं और ये बहुत आगे तक जब तक आप कंप्यूटर सीखेंगे तब तक आपके काम आएगा सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लिसन केयरफुल स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स वन बाइट में एट बिट्स होती हैं यू नो वेरी वेल बाइट के बाद आ जाता है किलो बाइट वन किलो बाइट में वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट्स होती हैं स्टूडेंट्स एंड देन आता है एम बी सो वन मेगाबाइट एम बी की फॉर्म फुर होती है मेगा बाइट सो वन मेगा बाइट इक्वल टू वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलो बाइट एंड वन गेगा बाइट जी बी जिसे बोलते हैं वन गेगा बाइट में वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर मेगाबाइट होते हैं स्टूडेंट्स जी बी को तो आप जानते होंगे बिकॉज आजकल तो कंप्यू मोबाइल uh, में जो डाटा आता है वो जी बी में तो आता है कि टू जी बी डाटा है वन जी बी डाटा है सो दैट दैट इज़ जी बी वही जी बी है ये

1024 ट्वेंटी फोर होते हैं सो so, इस तरह से कंप्यूटर की जो मेजरमेंट होती है मेमोरी यूनिट्स होती है वो इस तरह से होती है और इन्हें आप लर्न कर लीजिएगा नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिव्यू कर देते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स ट्रू फॉल्स कर लेते हैं फर्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है आंसर इज ट्रू यस रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है आंसर इज ट्रू यस स्टूडेंट्स प्राइमरी मेमोरी ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है रोम स्टैंड फॉर रिकैप ऑनली मेमोरी रोम का मीन्स होता है फुल फॉर्म होती है रिकैप ऑनली मेमोरी दैट इज फॉल्स स्टूडेंट्स रैम की फुल फॉर्म रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है यस स्टूडेंट्स ट्रू है ये प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी ही होती है सो स्टूडेंट्स आई होप आपको प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्लियर हो गई होगी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू मे कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स एंड नेक्स्ट वीडियो में स्टोरेज डिवाइस के टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं तब तक के लिए बाय